आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रॉमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि यह मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत। इसकी कीमत लगभग $10,000, यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड गाइस, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।